नमस्कार स्वागत एवं अभिनंदन आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य में आपको पता ही जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया है मातृ क्षण में चौपाई को गिनने का बहुत ही आसान तरीका क्योंकि अगर हमें गिनना आ जाएगा तो हम पहचान पाएंगे कि ये चौपाई है अथवा दोहा तो एक बार मैं इसका रिवीजन पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे वो आठ होते हैं और जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे चार होते हैं तो आ ई उ रे ए आ, आ, ओ, आ, तो ये हमारे आठ हो गए फिर इसमें है आ ई ई उ और रे देखो तो इसमें ये हमें अगर ये याद रहेंगे स्वर तो हमें गिनने में बहुत ही आसानी रहेगी अब ये हम फिर से छोटा सा चौपाई चौपाई के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं होती हैं सोलह मात्राएं होती हैं तो हम इस मात्राओं को एक बार गिन के देख लेते हैं कि सोलह मात्रा प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं चार चरण होंगे और चार चरण में हमारी आ, कितने चरण होंगे हमारी चार चरण हो गए चार चरण हो गए और मात्राएं कितनी हमारी होगी प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं तो इसमें एक एक ही चरण में हम चेक कर लेते हैं ये हमारा ह्रस्व है ये भी ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है ये दीर्घ है ये ह्रस्व है ये तीनों ह्रस्व ही है चारों ह्रस्व हैं और ये ह्रस्व हैं ये भी ह्रस्व है ये दीर्घ है और ये, ये, ये दीर्घ है, दीर है तो गिन के देखते हैं कि सोलह मात्राएं हुई कि नहीं एक दो तीन ये छोटी की मात्रा है जो वो हमारी हाँ ठीक है एक दो तीन तो पाँच छः एक दो तीन दो पाँच एक छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये हमारी पूरी सोलह मात्राएँ हैं तो इसका हमने देख लिया कि हमारे जो आ, चौपाई है चौपाई में चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण को में सोलह मात्राएँ होती हैं तो मातृक चंद्र का मात्राओं को गिनना होता है इसमें तो नाम से ही जैसा स्पष्ट है अब हम इसकी दूसरी आ, जो दूसरा इसका क्रम है दोहा का तो दोहा में हम देख लेते हैं क्या है दोहा में चार चरण होते हैं पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती तथा दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह ध्यान दीजिएगा इसमें पहले और तीसरे चरण में जो होंगी हमारी तेरह तरह और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होंगी तो हमें इस तरह से इनको गिनना है तो हमारी तेरह और ग्यारह ये चार यानी चौबीस एक पंक्ति में हमारी यानी एक लाइन में चौबीस मात्राएं होनी चाहिए पहले और तीसरे चरण में पहले चरण में हमारी पहले चरण और तीसरे चरण इसको आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमें दोहा को समझने में अब हम एक दोहा देख लेते हैं और इसको गिन भी लेते हैं कि ये दोहा है अथवा नहीं या चौपाई है ये ए है जो हमारा ये आपका दीर्घ है ये भी दीर्घ है ये ह्रस्व है दोनों ये भी दीर्घ ये भी दीर्घ और ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है तो ये हमारा एक चरण हो चुका है तो हम गिन के देख लेते हैं दो चार पाँच छ दो आठ और तो दस ग्यारह और ये दो तेरह तो हमने ये तेरह मात्राएँ हो गई अब इसमें ये हमारी कौन सी है ह्रस्व है नहीं सॉरी दीर्घ है ये ये भी दीर्घ है ये भी दीर्घ है और ये ह्रस्व है और ये छोटी है तो ये भी ह्रस्व है ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है अब हम क्यों गिन के देख लेते हैं दो चार छ छः के बाद सात आठ आठ दो दस एक ग्यारह तो, तो हमारे क्या आ, हमारी जो इसमें सबसे बड़ी एक उन्होंने शर्त रखी थी कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में पहला चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए तेरह ये हमारा पहला चरण है ठीक है अब दूसरे जो चरण में दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह मात्राएं तो हमारा ये दूसरा चरण है दूसरा चरण में हमारी कितनी हुई ये हमारी ग्यारह मात्रा है तो ये हमारा दोहा है एकदम सही है नीचे वाला भी एक बार गिन के देख लेते हैं ये हमारा दीर्घ है ये ह्रस्व ह्रस्व, ये दीर्घ ये भी दीर्घ ये भी दीर्घ और ये ह्रस्व है ये दीर्घ है दो तीन चार तो छो आठ तो दस दस के बाद ग्यारह और तीन दो तेरा हो गया ग्यारह दो आ, तेरा हो गया ये हमारी तेरा है। पहले और तीसरे चरण में हमारी जो हमारी शर्त <coughs> थी सॉरी पहले और तीसरे चरण में जो हमें कितनी मात्रा चाहिए थी हमें तेरह तेरह ठीक है तो हमारी तेरह तेरह होगी अब इसमें था श्याम अब इसको भी हम किन लेते हैं एक ह्रस्व है नहीं ये कह रही सॉरी ह्रस्व दीर्घ और ये ह्रस्व ये ह्रस्व है ये भी ह्रस्व में आएगा और ये भी ह्रस्व में आएगा ये ये भी ह्रस्व में आएगा ये भी ह्रस्व में आएगा ये दीर्घ में आएगा और ये ह्रस्व में आएगा एक ती, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दो ग्यारह और ये ग्यारह ही होना चाहिए तो इसमें फिर से देख लेते हैं कहा हमने गलती कर दी जो जो श्याम है ना तो इसमें एक ही जगह ए चाहे यहां पर हृस्व लगा यहां यहां पे लगा दें तो आधा इस वजह से इसको हमने गिनती हो बाकी हमारी सब ठीक है तो ये भी हमारी ग्यारह मात्राएं हो गई हैं पहले और दूसरे और चौथे चरण में हमारी ग्यारह ग्यारह मात्राएं होनी चाहिए हम इसको गिन रहे थे ये दीर्घ होगा ये ह्रस्व ये भी ह्रस्व होगा छोटा ऊ है ये भी रस्व ये भी ह्रस्व, चरण में भी ये भी ह्रस्व, ये आपका ह्रस्व होगा ये दीर्घ होगा ये ह्रस्व होगा ये भी दोनों ह्रस्व होंगे निज़ में छोटी है तो ये भी ह्रस्व होगा, ये भी ह्रस्व होगा ये भी ह्रस्व होगा ये भी ह्रस्व होगा और ये ऊ है तो ये भी ह्रस्व है ये भी ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व होगा ये सु है ऊ है तो ये भी रस होगा ये दीर्घ होगा और ये रस होगा अब हम इसमें पहले इनको फिर से गिन के देख लेते हैं कि ये तेरह मात्राएं हमारी हो रही हैं दोहे है में कि नहीं दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ तो दस ग्यारह बारह तेरह तो हमारी ये तेरह मात्राएं आ गई हैं हमें ध्यान देना पड़ता है ज्ञान एक से कई बार एक बार गलती भी हो सकती है तो हम दो बार से चेक भी कर सकते हैं रीचेक करना जरूरी है अब ये हमारी पहले चरण में तेरह मात्राएं और दूसरे चरण में हमारी शर्ती ग्यारह मात्राएं होनी चाहिए तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ दो दस और ये ग्यारह तो हमारी इसमें भी ग्यारह मात्राएँ आ चुकी हैं तो ये हमारा सही है अब इस तरह से हम नीचे वाली पंक्ति को भी घिन सकते हैं तो हमने देखा कि दोहा और चौपाई में जो थोड़ा सा अंतर ये है कि मात्राओं को गिनने का जो तरीका है दोहा चौपाई का सेम रहेगा यानी एसिडीज हम लोग उसको गिनेंगे भी और दीर्घ में जो हमारी जिस तरह से गिना जाता है बस ये होता है कि चौपाई की चार चरण होते हैं चौपाई में और चारों चरणों में जो मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं होती यानी चारों चरणों में सोलह मात्राएं लेकिन जब हम दोहे की बात करते हैं तो दोहे में ऐसा नहीं है दोहे में क्या है पहले और जो आपका तीसरा चरण है उसमें आपकी तेरह मात्राएं यानी तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी आपकी ग्यारह ग्यारह मात्राएं होनी चाहिए बस इतना सा अंतर हम ध्यान रखेंगे और इसको गिनने का बहुत ही आसान तरीका है इसको मैं आप लाइव वीडियो देकर के उसमें ब्लैक बोर्ड पर भी बताने वाली हूँ कुछ दिन में तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए जुड़िए रहिए धन्यवाद